बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ुल्फ़िकार शवाहला, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करती हैं आज की अहम खबर। चुने के नवाही गांव भैड़वाल बाबा मस्त में ख्वाजा सराव के रूहानी पेशवा बाबा अब्दुल अजीज़ शाह अलमारू बाबा मस्त शाह भैड़वाल के सालाना उर्स की तकरीबात कसूर पुलिस की सर्च सिक्योरिटी में जारी। ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी का पंजाब पुलिस अजारे तशक्कर। बाबा मस्त शाह भैड़वाल का सालाना उर्स का बड़ा पॉपुलर मेला होता है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी कसी तादाद में दरबार पर सलाम करने और अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। आई जी पंजाब और डी पी ओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की खसूसी हदायत की रोशनी में बाबा मस्त शाह भैड़वाल के सालाना उर्स के मौके पर पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बाबा मस्त शाह भैड़वाल के सालाना उर्स के मौके पर पंजाब पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने पर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ने आई जी पंजाब और डी पी ओ कसूर का तह दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी का पंजाब पुलिस से हजारे तशक्कर। उसकी तकरीबात जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं इंस्पेक्टर एस एच ओ सी टी चूनी आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैड़वाल गांव में। यहाँ पे बाबा मस्त दरबार मौजूद है। यहाँ पे एक मेला हो रहा है जो कि ट्रांसजेंडर की वजह से बड़ा पॉपुलर मेला है। पूरे पाकिस्तान से ट्रांसजेंडर यहाँ पे आते हैं सलाम करने दरबार पे और अपनी मन्नतें मांगने के लिए। तो यहाँ पे अक्सर शिकायत मिलती थी कि ट्रांसजेंडर के साथ नाखुशवार सलूक किया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है और उनको परेशान किया जाता है। इस दफ़ा जनाब आईजी साहब के विजन और डीपीओ साहब के सूर जनाब तारक अजीज सिंधु साहब के अहकाम की रोशनी में यहाँ पे ट्रांसजेंडर का जो ये मेला हो रहा है उसके लिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। हमारे पास दो ट्रांसजेंडर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नाइला शहजादी है। जी कहाँ से आया? मैं सरगोधा से आई हूँ। हम चार पाँच साल से हम अकीदत मानते हैं, चार पाँच साल से हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे उर्स वगैरह बाबा जी का नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इस दफा बहुत अच्छा पुलिस ऑपरेट कर रही है, बहुत अच्छा तहफ़ है और अमन सुकून से मेला चल रहा है। हम अकीदत मानते हैं, हम बहुत शुक्र गुजार है। मुझे ये बताए की आई जी साहब की तरफ से आप लोगों के लिए कुछ इकदाम ऐसे किए गए जिसमे पुलिस तहफ़ मरकज है जो ट्रांसजेंडर के लिए बनाया गया, इस बारे में आप कुछ कहना पसंद करेंगे? तहफ़ सेंटर जब से बने तब से हमारी जिंदगी बहुत सिक्योर हो गई। हम अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे हैं। कम्युनिटी के लोग वहाँ पे बहुत महफूज हैं। वहाँ पे हम लोगों की बहुत ही प्यार और तहफ़ के साथ बातचीत की जाती है, सुनी जाती है और हमारा ख्याल किया जाता है। हम बहुत अपने आप को सिक्योर समझने लगे हैं। पहले की लाइफ से और अब की लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट आ गए। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।